अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेजोन जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रहे हो, तो आपने उस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस कंपेटिटर की स्ट्रेंथ को देखना है कि जिसके ऊपर, जैसे कोई बंदा एक एक सेलर बेस्ट कैटेगरी में है, बेस्ट सेलर है किसी एक कैटेगरी में, और उसकी वर्थ को देखना कि वो कितना एक मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर है, कितना उसके साथ कंपटीशन हमारा बनता है। जैसे अमेजोन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी यूके या यूएसए की एग्जांपल हम लेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जिनके साथ, जैसे हम कहते पंगा नहीं लेना कि उनके साथ हम कंपटीशन करें प्राइस के लिए, प्राइस वॉर में, या लैसे कि वो इतना बहुत सेलर है जिसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो, क्योंकि अमेजोन इज ऑल अबाउट स्टॉक गेम। जिसके पास जो जितना ज्यादा स्टॉक होगा प्रोडक्ट का, वही अमेजोन के ऊपर लीडर है और वही ऊपर राज करेगा टॉप ऑफ द पेजेस में। तो इस एग्जांपल के में हम देखते हैं किसी एक प्रोडक्ट को लेके, तो उसकी सेलर की पहले स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लैसे हम बेच रहे हैं टूथ ब्रशिंग होल्डर, एग्जाम्पल है टूथब्रश होल्डिंग में हम देखते हैं, सॉरी टूथब्रश होल्डर। सबसे पहले तो इसका अगर आप सर्च वॉल्यूम भी देखें तो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1,50,000। हम इसको ले लेते हैं, ये सेलर जो है सरपोर्ट सरपोर्ट लेसे इसको लेते हैं हम। इसके यहाँ पे जो सोल्ड बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम जाएंगे और विजिट दी सी पोर्ट सी स्टोर फ्रंट जो इसका है, इसमें इसकी जो प्रोडक्ट है ना कुल, वो ये पहले पेज पे 16 है, पहले पेज पे 16 उसकी प्रोडक्ट है, और वो जो फुल प्रोडक्ट बेच रहा है ना वो 85 है, सॉरी 58 प्रोडक्ट्स वो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है, 58 प्रोडक्ट्स जो एक्टिव है, और ये दो ब्रांड्स बेच रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक इसने इसकी कंपनी का नाम ये हो सरपोर्ट ओडिया, हाँ, एक उसने ब्रांड इसके नाम का बना लिया हो, इसके अपने जो उसकी कंपनी का नाम है, और दूसरा एट्रोशेयर। यहाँ पे आप देखें इसमें ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। अब ये देखें ये प्रोडक्ट एट्रोशेयर, अब ये प्रोडक्ट भी सोल्ड बाई, ऐसे हो सकता है कि ये दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके अगर इस एग्जांपल को मैं एक और चीज से आपको बताऊं, अगर amazon.co.uk की एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद amazon UK में बैठा हूं, तो यहां से मेरे लिए एग्जांपल वहां पे भी दिखा सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे मैं टूथब्रश होल्डर को मैं क्लिक करता हूँ, और इसमें ये जो है ना लकिफ MO ये है, और ये सोल्ड बाई KR जो भी है इसका, इसके मैं स्टोर फ्रंट को जाता हूँ, तो ये अब देखिए इस कंपनी का नाम जो है ना वो पीछे KVR जो भी था उसका, और ये इसका जो ब्रांड है ना लकिफ मो है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर वापस जाके फिर एक दफा और जाऊं सोल्ड बाई, देखता हूँ ये अगर उसकी कंपनी का नाम है तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी कंपनी का नाम है उसी से आप ब्रांड रजिस्टर करवाएं। लोग ऐसे करते हैं काफी सेलर्स यूके यूएसए में भी। अब मैं इसको लेता हूँ और मैं जो यूके के अंदर है ना वो कंपनीज हाउस है जो एक जो इसको मॉनिटर करता है, जो कम इसको मॉनिटर करता है कंपनीज को, फाइंड अ कंपनी में स्टार्ट, यहाँ पे इस नाम से कोई कंपनी नहीं है, फिर उसके बाद इसको देखता हूँ मैं, इसके साथ भी कोई कंपनी अटैच नहीं है, तो मोस्ट पॉसिबली अब ये अगर यूएसए का सेलर है तो उसको यहाँ पे कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर इसी को मैं .com कर देता हूँ, ये .com में भी नहीं है, तो इसकी कंपनी किसी और नाम पे है, और इसने यहाँ पे ये इसने अपना ये नाम रखा हुआ है जो सोल्ड, और ब्रांड इसने ये रजिस्टर करवाया हुआ है। अब इसी ब्रांड के ऊपर ये जो इसका ब्रांड है मैं जाता हूँ, और ये प्रोडक्ट बेच रहा है जी, सेल कर रहा है, सॉरी 10 प्रोडक्ट्स, और सारी 10 की 10 लकीफ मो है, लकीफ मो के साथ। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है, अब देखें इसके 219 रिव्यूज हैं, 375, 151, 500, तो ये इतने ज्यादा रिव्यूज इसके नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं लग रहा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स, अब मैं फिर वापस यूएसए में आ गया हूँ,
उसके बाद यहाँ पे तो रिव्यूअर्स रिव्यूज भी बहुत हाई होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो बहुत ज्यादा रिव्यूज हो और बहुत कंपेटिटिव हो, वहां पे तो प्रोडक्ट वैसे ही नहीं लगानी। जैसे यहाँ पे अगर हम जाएं और इसकी जो नोड है, नोड इसका नोड है जी टूथब्रश होल्डर्स, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब टूथब्रश होल्डर्स के अंदर ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, 5,500, 16,000, 7,000 राउंड, 7,000, 4,000, 40,000, 1,300, 16,000। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट अगर एक जैसे कि पाकिस्तान से कोई बंदा शुरू कर रहा है टूथब्रश होल्डर्स, उसको अराउंड अकॉर्डिंग टू माई 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको अराउंड $5,000 तक एडवर्टाइजिंग ओवर 6 मंथ्स में चाहिए। यानी अगर वो तकरीबन 1,100-1,200 डॉलर्स मंथली एडवर्टाइजिंग देता है, तो उससे क्या होगा जो कि 30 to 35 डॉलर्स पर डे वो देगा, और ओवर दी 5 मंथ 6 मंथ्स देता रहेगा 5 मंथ्स तक, तब जाके वो इनके अंदर। अब वो क्या स्ट्रेटजी है वो उसका, ये सेपरेट वीडियो होगी। तो इस तरीके से आप उसकी स्ट्रेंथ भी चेक हो सकती है। इसके बाद इस सेलर को देखते हैं, ये सेलर इसका नाम भी वही है और काम भी वही है, लिवेक्स बॉक्स स्टोर फ्रंट। यहाँ पे स्ट्रेंथ का एक और भी है, 95% पॉजिटिव फीडबैक भी है, और उसकी यहाँ पे डिटेल्स आती हैं। ये चाइनीज है, चाइनीज है तो इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद ये फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक उसकी ओवर दी। अच्छा, उसके बाद इसके स्टोर फ्रंट पे चलें, ये दो ब्रांड बेच रहा है, एक ट्रू नॉन और एक लिवेक्स बॉक्स। उसमें भी ये 5,14 स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये रिव्यूज हैं भी नहीं इसके। एक तो ये चीज मैंने बतानी थी कि किस तरीके से आप सेलर कितने, ये प्रोडक्ट कितनी 132 लिवेक्स बॉक्स के साथ, 128 और दूसरे ब्रांड के साथ 4, तो 132 प्रोडक्ट्स ऐसे बेच रहा है। उसके बाद फिर ये देखना है कि स्ट्रेंथ का एक और तरीका है कि जी इसकी, मैं ये प्रोडक्ट को मैं लेके चलता हूँ, ये चाइनीज जो सेलर है, इसके अंदर मैंने देखना है कि ये सोल ये खुद ही बेच रहा है। यहाँ पे इसका कोई ये बाई बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। कई ऐसे सेलर होते हैं वो कोई किसी की प्रोडक्ट लगा लेता है, कोई किसी की प्रोडक्ट लगा लेता है। उसके मुकाबले में अगर आप ये पेट पू बैग्स लिखते हैं, जैसे कि ये टाइड्स वाला आता है, टाइड्स ब्रांड है ये उसके मतलब, यह ये इसका बाई बॉक्स शेयर किया हुआ है इसने, एवरीथिंग अवेलेबल यूके, ये इसने इसमें भी घुसा हुआ है टाइड्स के ब्रांड में भी, यानी होलसेल लेके कर रहा है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे देखनी है कि ये क्या, ये सेलर जो है एवरीथिंग अवेलेबल यूके में यहाँ पे आया, इसकी कोई मंथली फीडबैक है तो 95% पर फीडबैक इसकी इतनी ज्यादा नहीं है। ये लंदन का है, कैंप रोड हाउस। अगर मैं इसके स्टोर फ्रंट पे जाता हूँ, एवरीथिंग अवेलेबल यूके फ्रंट स्टोर, देखें जी ये 23 आइटम सेल कर रहा है और इतने ज्यादा ब्रांड्स में, मतलब ये कोई इतना बहुत बड़ा सेलर नहीं है। तो आप देखें कि अगर कोई बंदा सिर्फ अपना ब्रांड बेच रहा है और हेल्दी 100-185 तक लिस्टिंग बेच रहा है, रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। अब इस ये जो टाइट एवरीथिंग अवेलेबल यूके का जो फ्रंट स्टोर फ्रंट है, इसमें इसकी कोई कमाल इसलिए क्योंकि ये सारे रिव्यूज इसके नहीं है, ये तो जो बाई बॉक्स शेयर कर रहे हैं कितने बंदे। जैसे कि इसके अगर मैं पहले 3 आइटम ले लेता हूँ,
तीन आइटम्स। पहले आइटम में बाई बॉक्स, जब ये भी टाइड्स का, सारी चीजें टाइड्स की बेच रहा है और इसके अंदर 16 बंदे घुसे हुए हैं, ठीक है ना। और बाई बॉक्स जो है ना, वो बाई बॉक्स किसके पास है वन टाइम में, ठीक है जी, बाई बॉक्स इसी के पास है, एवरीथिंग अवेलेबल यूके वाले के पास है, 37 रिव्यूज, 16 इसमें है। इसका भी बाई बॉक्स इसी के पास है और ये इजी फिक्स की आइटम है 700, और इसके अंदर कितने बंदे 20 सेल कर रहे हैं, 20 बंदे इसके अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन बाई बॉक्स इसी के पास है, एवरीथिंग इन द यूके के पास। लास्ट आइटम मालिबू वेलनेस हार्ड वाटर, ये भी इसी के पास है और इसके अंदर बंदे 22 सेल कर रहे हैं, तो ये कोई इतना खास बड़ा सेलर नहीं है। और ये भी देखना है कि ये तो इसकी प्रोडक्ट खुद की है ही नहीं, बाज़ुकात जो नए वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो देखते हैं कि यार ये एवरीथिंग इन द यूके, और फिर वो यहाँ पे देखते हैं तो ब्रांड समझते हैं कि ये इनका नहीं, ये बाई बॉक्स, जैसे कि आज इनको ये रिमूव कर दें, ये मालिबू वेलनेस, मालिबू सॉरी, कि हम ये हमारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो ये गया, अगर इसकी सेल की, क्योंकि बाई बॉक्स इसके पास है, इसकी सेल की वजह से अगर 6000 में से 1000 रिव्यूज भी आ गया तो जब इसको निकाल देंगे तो बाई बॉक्स से आउट कर देंगे, कि आउट मालिबू कर देगा अमेजोन को कंप्लेन करके ड्यू टू सम रीजन, तो ये जीरो है। इसीलिए इसके मुकाबले में जो पीएल अपना प्राइवेट लेबल जो मैंने यूएसए में दिखाया है, तो उसके मुकाबले में वो स्ट्रॉन्ग सेलर है, यहाँ पे ये लेस स्ट्रॉन्ग सेलर है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इधर से लेके सेल कर रहा है, कहाँ से, यहाँ पे तमाम ब्रांड से। ये देखिए, ये पेंगुइन एक ब्रांड है इसका, ये पेंगुइन की कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसके बाद टेड बेकर लंडन, इसका भी यही एवरीथिंग यूके कर रहा है, 59 रिव्यूज हैं और ये बंदे सेल्स 27 कर रहे हैं, 27, लेकिन बाई बॉक्स इसी के पास है, ठीक है ना। तो एक ये, वैसे अगर देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेलर, कि आप को पीपीसी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये एक टेड बेकर लंडन है और इसको आप, ये इसका कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इस एसन को लेना है, इस एसन को लेके यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर ये देखें, ये आ गया 27, तो पहले ही बंदे सेल कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं सेल करने जा रहा, बस न्यू कंडीशन करके आप सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी स्कू अपना दे देंगे और फिर आपको इससे इससे होलसेल कहाँ से लेना है, कैसे करना है, किधर गया, ये फिर बाद में हेडेक होती है लेकिन जब इसका सोर्स मिल जाए तो फिर ये इसको लगाना या इसको बेचना भी आसान हो जाता है। लेकिन बहरहाल यू आर डिपेंडेंट ऑन, इसके अंदर आप डिपेंडेंट हैं सप्लायर के ऊपर, जब सप्लायर से आइटम ख़त्म हो जाए तो आप इसको सेल नहीं कर सकते, जबकि पीएल में आपका अपना एक, तो पीएल इज द बेस्ट। लेकिन ओबियसली दिस, ये वीडियो थी कि सेलर कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है और बाई बॉक्स में कितने बंदे हैं, तो वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।